बीसीसीआई ने शुक्रवार शाम सीनियर सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर हर किसी को हैरान कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इस बीच बोर्ड ने ये एक्शन लिया, पूरी कमेटी को हटाने के बाद अगला चीफ सेलेक्टर कौन होगा, इसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर अजीत अगारकर नए चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। अजीत अगारकर पहले भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो इस रेस में पीछे छूट गए थे। लेकिन इस बार हालातों दो देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके चांस काफी ज्यादा हैं। वहीं बीसीसीआई अधिकारी का कहना है कि इस मामले में अजीत अगारकर से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि अजीत इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ बतौर असिस्टेंट कोच काम कर रहे हैं। अगर वो चीफ सेलेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें आईपीएल के इस जॉब को छोड़ना होगा। हालांकि अगर बीसीसीआई के नियमों को देखें तो अजीत इस जॉब के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं।